ग्यारह बहनें एक सपना। वो रास्ता पाटना जो कॉलेज तक जाता है। एक ही परिवार की ग्यारह लड़कियां, जिस परिवार को अब भी बेटे का इंतजार है। उस गांव की लड़कियां जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी किसी लड़की को कॉलेज जाने नहीं दिया गया। पापा ने ना बिल्कुल मना कर दी थी, और मेरी पड़ोस की दादी थी, वो बुला कर नुकाय भैया लोंडी तो बहुत बोलने लगी, अक भाई मतलब पढ़ने के मारे अक भाई पढ़ अक मैं तो पढ़ूंगी पढ़ूंगी बता के करेगी आप पढ़ का। मैं बोली मैं जो मैं गलत चलती हूँ तो आप मेरी नाड़ काट दियो। हरियाणा के इस दूर दराज के देवीपुर गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर कॉलेज के लिए कोई बस नहीं है। सोचिए, बस नहीं तो शिक्षा नहीं, क्योंकि लड़कियों पर परिवार की इज्जत का बोझ है और सड़क पर छेड़छाड़ करते लड़कों का डर। यहाँ जो पुल का कोना है ना, यहाँ बहुत गड़बड़ होती थी, यहाँ बहुत छेड़छाड़ होती थी लड़कियों के साथ। वो लड़कियों को कमेंट मारते थे, गंदे गंदे वर्ड बोलते थे, और कभी लड़कियों के ऊपर ईंटे फेंक दी, कीचड़ फेंक दिया लड़कियों के ऊपर। अपने घर में 11 बेटियों में सबसे बड़ी नैना ने ठान ली थी, कॉलेज का रास्ता अपने लिए तो खोलेगी ही, अपनी बहनों और गाँव की बाकी लड़कियों के लिए भी रास्ता बनाएगी। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव वालों के साथ मीटिंग बुलाई और जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखी। लड़कियों के बुलंद इरादों का ही हासिल है कि आज इनकी ग्राम पंचायत में आने वाले चारों गांव की 15 लड़कियां बस से कॉलेज जा पा रही हैं। नैना को हिम्मत देने वाली पास के गड़ी खजूर गांव की ज्योति का अपना संघर्ष रहा है, क्योंकि वो दलित है। 70% तो वहाँ पे मेरे जर्नल कास्ट के लोग रहते हैं, तो वो अपनी बेटियों को और खासकर किसी ऐसी चौपाल में भेजना, और ऐसी की लड़की, हरिजन की लड़की, चमारों की लड़की अगर कोई पढ़ा रही है तो वो क्यों भेजेंगे, वो नहीं भेजते थे कास्ट को देख के भी। तो काफ़ी लड़के आ जाते थे ड्रिंक करके राजपूतों के, और मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी करते थे कि तू ज़्यादा मैडम बन रही है, हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़कियों को। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी, और उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि करनाल के 8 गांव में लड़कियों की उच्च शिक्षा की बात अब घर घर में हो रही है। मेरी शिक्षा ने मुझे समाज दिखाया, मैं सोसाइटी को देख पाई, मैं बाहर दूर दूर के गांव में आ पाई। नहीं पढ़ती तो मैं घर पे होती, मेरी दोस्तों की शादी हो गई जिनको नहीं पढ़ाया फैमिली ने, अब वो ससुराल है, उनके बच्चे हो गए, तो लाइफ मेरी भी वही होती। हमारे को क्या पढ़ाते, हमारा माँ बाप खेती के काम करवाते थे, घास घूस ले आते थे, यही काम करता, रोटी पानी बनाते खाते पीते और क्या करते थे। शन्नो देवी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन आज उनकी पोती सलोनी परिवार की पहली लड़की है जो कॉलेज जा रही है। पढ़ना भी चाहिए, फिर अपनी जिंदगी भी सुधारे, हमारे भी सुधारे, हम भी सुधर सकते हैं, फिर आगे कहीं शादी शुदी हो आगे आगे भी जाके सुधर जाए अपने, किसके पैर फलाने की जरूरत नहीं है। वो भी ज्योति थी जो अपनी बात नहीं कह पाती थी, और वो भी ज्योति आज मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास आया, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह बाकी लड़कियाँ बने, वो भी अपनी बात रख पाए, वो भी कॉन्फिडेंस से अपने सपनों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बात रखे। मुझे मेरी वो भी जिंदगी याद है जब मैं पढ़ाई करने जाती थी, मेरी घर में क्या वैल्यू थी, और आज मैं नौकरी पे हूँ, मुझे आज वो भी जिंदगी पता चलती है कि मेरी आज क्या वैल्यू है घर में। लेकिन ज्योति के इस सपने को हकीकत में बदलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। देश की राजधानी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इन गांव में नैना समेत महज 15 लड़कियां ही अपने रास्ते के कुछ रोड़े हटा पाई हैं, और ये भी जिस सपनों की बस में सवार हैं, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। फेमिनिज्म इन इंडिया की रितिका के साथ गुरप्रीत सैनी, BBC करनाल हरियाणा।